नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है और आप सभी देख रहे हैं प्राइम टेक विद रोहित यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड को अपने फ़ोन के जरिए मैनेज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप अपने फ़ोन के जरिए ही अपने HDFC क्रेडिट कार्ड के सारी चीज़ों को देख सकते हैं, लाइक ट्रांजेक्शन, कौन कौन से EMI लिंक हैं, उसके अनसेटल्ड अमाउंट कितने हैं, सेटल्ड अमाउंट कितने हैं, कितने ड्यूज बचे हुए हैं, आपका रिवार्ड पॉइंट कितना मिला है, सारी चीज़ें एवरीथिंग आप अपने फ़ोन के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि HDFC बैंक की तरफ से ही लॉन्च किया गया है और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और जो कि लोगों की बहुत ही हेल्प करता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली अपने क्रेडिट कार्ड को अपने फ़ोन के जरिए मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कभी कस्टमर केयर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कभी बैंक विजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड आया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे उसकी सारी चीज़ें देखनी है, उसको देखने के लिए या तो फिर दोस्तों आप HDFC का नेट बैंकिंग यूज करते हो या फिर आपको जो मैसेज आता है उसके जरिए आपको पता होता है कि आपका कितना अनसेटल्ड अमाउंट है, कितना आपका लिमिट बचा हुआ है, तो सारी चीज़ें अपने फ़ोन के अंदर कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, हमें क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे। क्रोम ब्राउजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको HDFC माई कार्ड। ये दोस्तों आपके कस्टमर केयर के द्वारा भी बताया गया हो कि HDFC माई कार्ड आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए दोस्तों आपने प्ले स्टोर पे बहुत छानबीन किया होगा लेकिन आपको नहीं मिला होगा। तो सिंपली हम HDFC माई कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी माई कार्ड HDFC बैंक का, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, यह HDFC का माई कार्ड एप्लीकेशन है और इसको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करने के लिए, सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे ऐड टू होम स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऐड टू होम स्क्रीन आ रहा है, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो यह एप्लीकेशन जो है कि हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो गया है या सेव हो गया है। अभी क्या करना है, अभी हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यह हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ और यहाँ पे सर्च करूँ माई कार्ड, तो यहाँ पे देखिए यह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे ले आए हैं मेन स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखिए ये प्रॉपरली एप्लीकेशन के जैसा ही वर्क कर रहा है। यानी यह एक वेब एप्लीकेशन था जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। इसे दोस्तों आप अपने फ़ोन के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, इसे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे सिंपली क्या करना है आपको, लॉगिन करने के लिए क्या करना है, लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको क्रेडिट कार्ड को लेते समय जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था बैंक में, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ जो मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा और उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। क्या था OTP दोस्तों, हम एक बार देख लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो जाएंगे और जो भी आपका कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होगा, यहाँ पे मेरा मनी बैक कार्ड है तो यहाँ पे बिजनेस मनी बैक कार्ड आ गया है जिसकी लिमिट 40,000 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, कितने EMI लिंक है आपके कार्ड से वो देख सकते हैं, आपको कितना रिवार्ड पॉइंट मिला है, कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, ई स्टेटमेंट आप देख सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं अपने कार्ड को अगर आपका कार्ड खो जाता है या फिर कोई किसी और को पता चल जाता है तो उसको इजीली यहाँ पे वन टैप पे ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट पे और सेविंग कैलकुलेटर भी मिल जाता है। यहाँ पर दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग अनबिल्ड। तो मैंने अभी 333.12 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए हुए हैं जो कि मुझे भरना है। और यहाँ पे व्यू कार्ड समरी भी आ रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मनी बैक बिजनेस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरा अनसेटल्ड अमाउंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना है, तो 333 रुपये मेरा आउटस्टैंडिंग लोन है, यानी इसको मुझे पे करना है। और अवेलेबल लिमिट हमें बची हुई है 39,666.88 रुपीज़। तो इतना अवेलेबल लिमिट बचा है जिसको मैं स्पेंड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड कंट्रोल मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी है तो प्राइमरी रहेगा। यहाँ पे ATM विड्रॉवल का ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो मुझे ATM में इसको यूज़ नहीं करना है तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है। ऑनलाइन स्पेंड करना है तो मैंने इसको ऑन कर रखा है। मर्चेंट आउटलेट पर भी ऑन कर रखा है।
कॉन्टैक्टलेस यानी एनएफसी को मैंने ऑफ कर रखा है। एनएफसी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल पेमेंट हमें करने होते हैं तो मैंने उसको ऑन रखा है। इंटरनेशनल विड्रॉल एटीएम विड्रॉल को भी ऑन ऑफ कर रखा है। इंटरनेशनल शॉपिंग भी करनी होती है उसको मैंने ऑन कर रखा है। यहाँ पे आउटलेट पे हमें विदेश जाना नहीं है तो उसको भी मैंने ऑफ कर रखा है। और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल के लिए वो भी मैंने बंद कर रखा है। जो चीज़ें मुझे ज़रूरी है मैं उसके ऑन ऑफ करके आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है दोस्तों आपका ट्रांजेक्शन है। जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। कभी कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा है कल के डेट में, परसों के डेट में, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हमें शो नहीं कर रहा है। उसके बाद लिंक ईएमआई, तो कोई भी अभी ईएमआई हमारे कार्ड से लिंक नहीं है तो यहाँ पे यू डोंट हैव एनी लिंक्ड ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड, तो कोई भी लिंक नहीं है ईएमआई, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट है, रिवार्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका रिवार्ड पॉइंट जो भी है 62 पॉइंट रिवार्ड पॉइंट है। अभी मैंने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया, मेरा नया कार्ड है तो इतना ही दिखा रहा है। उसको आप रिडीम कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। उसके लिए आपको नेट बैंकिंग से लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे सर्विसेज पे हैं तो सर्विसेज पे देखिए, यहाँ पे मैनेज आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है, अदर एक्शन आ रहा है, तो मैनेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट को हम डाउनलोड कर पाएंगे। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो आप री इशू करवा सकते हैं। अगर कार्ड आपका खराब हो गया है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कार्ड आपका एक्सपायर होने वाला है तो री इशू करेंगे तो आपका कार्ड री इशू हो जाएगा, नहीं नया कार्ड आपको आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो कार्ड को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अदर ऑप्शन में पे योर बिल, रिडीम पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बैक करते हैं, अपने एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन ये अभी स्लो वर्क कर रहे हैं, अभी नया लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इन्हेंस होने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने में। अभी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं एप्लीकेशन के अंदर, कभी ओपन होगा कभी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फंक्शनलिटी वर्क करती हैं नहीं करती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली, यहाँ पे व्यू कार्ड समरी पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने स्पेंड किया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए कभी कभी ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं अभी एप्लीकेशन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें भी दिक्कत है इस एप्लीकेशन के अंदर। सारी चीज़ हमने देख लिया था दोस्तों, ट्रांजेक्शन, लिंक, ईएमआई, रिवार्ड पॉइंट। अभी क्या है कि यहाँ पे इतना लोन बचा हुआ है तो इसको पेमेंट कैसे करेंगे? आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप सोच रहे हो इसको पे करने के लिए क्या करेंगे। आप यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसको पे कर सकते हैं अपने नेट बैंकिंग के जरिए, या फिर किसी भी तरीके से इसको पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम नेट बैंकिंग के जरिए नहीं, हम पेटीएम या फिर फ़ोनपे से इसको हम जो है कि पे करेंगे। तो कैसे पे करेंगे, हमें कितना 333 रुपये यानी 334 रुपये हमको पेमेंट करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, हम अपना पेटीएम अकाउंट ओपन करेंगे। आपके पास पेटीएम या फ़ोनपे होगा, जो भी होगा आप ओपन करिएगा। यहाँ पर हम पेटीएम ओपन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने पेटीएम ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है पेटीएम। पेटीएम ओपन होने के बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कार्ड को ऐड कर रखा है। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको अपने कार्ड को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड कार्ड पे क्लिक करके अपना यहाँ पे कार्ड नंबर इंटर करना है, निकनेम इंटर करना है और आपका कार्ड लिंक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर इंटर कर देना है और अपना नेम इंटर कर देना है, आपका कार्ड यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अभी देखिए मेरा बैंक यहाँ पे आ रहा है, उसको पे करना है 333 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम 334 रुपीज़ पेमेंट कर देते हैं, 1 रुपये ज़्यादा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे किससे हमें पेमेंट करना है। बहुत सारी चीज़ें हमें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने पेटीएम के जरिए पेमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अभी 1 से 2 दिन लगता है, 1 दिन लग जाता है रिफ्लेक्ट होने में आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर, ठीक है। तो वो 1 दिन में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है और अदरवाइज 1 या 2 दिन लग जाते हैं रिफ्लेक्ट होने के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग में है और जैसे ही पेमेंट होगा हमारे क्रेडिट कार्ड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग लोन है वो सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल चला गया है, रिसीवर्स योर बैंक, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो उनके तरफ से सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाएगा कितने ड्यूज बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं दिखा रही हैं कि आपका इतना पेमेंट था, अनसेटल्ड अमाउंट है, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप दूसरा क्रेडिट कार्ड है तो उसको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मिल जाती है एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना बहुत ईजी है। ई स्टेटमेंट को भी आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने ईमेल आईडी पे ले सकते हैं। जब तक आपको ये स्टेटमेंट चाहिए, हमें सितंबर का ये स्टेटमेंट चाहिए,
तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ईमेल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटमेंट अभी जनरेट नहीं हुआ है। जब आपका स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा तो आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं। व्यू कार्ड समरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस बार ये वर्क कर गया। अब यहाँ पे देखिए लोन हमारा ड्यूज नहीं है, लास्ट सेटलमेंट अमाउंट 82 रुपीज़ है। तो दोस्तों आपका सेटलमेंट जो है जनरेट होता है कुछ दिनों के बाद, जब आपका क्लोजिंग डेट होता है तो उस समय आपका स्टेटमेंट का जो भी ड्यूज अमाउंट है वो सारी चीज़ें शो करती हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पेमेंट भी आपका दिखाएगा कि लास्ट पेमेंट कितने का हुआ है। तो 2112 रुपये का मेरा लास्ट पेमेंट है। उससे पहले सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने में 1 से 2 दिन लगता है। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आस्क ईवा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जिससे भी संबंधित प्रॉब्लम आ रही है उसको आप यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मुझे रिवार्ड पॉइंट को कैसे जो है कि आ रहा है मेरा, देखिए रिडीम पॉइंट 62 था उतना आ रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे अब आपको आ गए, सेटलमेंट डिटेल्स आ रहा है। तो क्रेडिट कार्ड समरी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड की समरी आ जाएगी। अब क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछ रहा है, फिर से हम डाल देंगे, प्रोसीड करेंगे। अभी क्रेडिट कार्ड की जो भी समरी होगी यहाँ पे आ जाएगी, सारी हेल्प करती है आपकी। अभी देखिए मेरा टोटल क्रेडिट अमाउंट इतना है, अवेलेबल क्रेडिट अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग मतलब 1 रुपया माइनस में, मैंने क्योंकि 1 रुपया ज़्यादा कर दिया था तो यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। लास्ट सेटलमेंट अमाउंट 82 रुपीज़। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आई होप दोस्तों आपको कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना है आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इसी तरह के टेक्नोलॉजी से संबंधित, एंड्रॉयड स्टूडियो से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित वीडियोस बनाई जाती हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में आप अपडेट रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम एक सब्सक्राइब के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ तक आया तो वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।